हेलो एवरीवन, आज मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, झट से बन के तैयार हो जाता है, तो चलो बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें एक कप जितना पास्ता डाल देंगे, इसके साथ ही एक टेबल स्पून स्वीट कॉर्न भी डाल देंगे। और इसमें अब आधा टी स्पून नमक डाल के इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब पास्ता पक जाएंगे, अच्छे से नरम हो जाएंगे, तो इनको छान के अलग साइड में रख देंगे। ये इस तरह से देखो, पास्ता ये पक गए हैं। 10 से 12 मिनट पकाने से ये इस तरह से पक जाएंगे। ये मैंने थोड़ी वेजीज काट के रखी है, तो चलो अभी पास्ता बनाते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, इसके साथ ही थोड़ा अदरक डाल के इसको भून लेंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें गाजर डाल देंगे। इसको भी 2 मिनट तक पकाएंगे। गाजर को थोड़ा 2 मिनट तक पका लेंगे। इसके बाद सारी वेजीज, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, वो भी डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भी 2 मिनट के लिए पकने देंगे। इसमें टमाटर भी डाल दिया है मैंने, इनको मिला लिया है सबको। अब मसाला डाल देंगे। इसके लिए मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल दिया। अब इनके लिए थोड़ा सॉस भी डाल देंगे। ये मैंने सोया सॉस डाला है 1/2 टेबल स्पून जितना, और ये मेरी रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस मिक्स की हुई है, वो डाल दी है। अब इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे और ये टोमेटो सॉस डाल के इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और इन सॉसेस को भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी सारी वेजी सॉसेस सारी पक गई है। अब इसमें हम लोग पास्ता और कॉर्न को मिला लेंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से मिलाएंगे। ये हमारा पास्ता बनके तैयार है, इसको अब सर्व कर लेंगे।